उज्जैन में चाय की दुकान पर काम करने वाले एक युवक के खाते में आए करीब 4 करोड़ रुपए पुलिस ने किया मामला दर्ज। राशि की जांच करना हुई शुरू। सीएसपी पल्लवी शुक्ला के नाम पर मांगे युवक ने 5 लाख रुपए की रिश्वत। युवक को तलाश कर रही है पुलिस। उज्जैन चाय की दुकान पर काम करने वाला एक कर्मचारी राहुल पिता कैलाश मालवी को इंदौर और अन्य शहर से आए हुए युवकों ने झांसा दिया, दोस्ती की और उसको 15,000 रुपए महीने देने का लालच दिया। चाय बेचने वाला काम करने वाला युवक लालच में आ गया और उसने इंदौर से आए हुए युवकों के कहने पर 4 बैंक खाता खुलवा लिया और इन बैंक खातों में करोड़ों रुपए की राशि आने लगी। जैसे ही इतना पैसा आया वैसे ही बैंक के अधिकारी सकते में आ गए। उक्त युवक को बुलाकर पूछा और टैक्स कटने की बात कही तो युवक ने कहा कि ये सारे पैसे जो आए हैं उसके सेठ के हैं। युवक ने करीब 35 लाख रुपए निकाल कर मकान ले लिया। राशि जैसे ही कम हुई इंदौर में रहने वाला युवक और उसके साथियों ने राहुल को डराया धमकाया। राहुल मालवीय ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की और थाने पर पहुंचकर पुलिस को समस्या परेशानी बताई। उसके हाथों में आई हुई 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आई हुई की जानकारी दी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, वहीं उस युवक की भी तलाश कर रही है जिसने सीएसपी पल्लवी शुक्ला के नाम पर रिश्वत के तौर पर 5 लाख रुपए मांग की थी। उज्जैन से हमारे संवाददाता एहतेशाम खान की रिपोर्ट।